प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पीआरवी में ड्राइवर के पद पर तैनात होमगार्ड को दरोगा और सिपाही ने पीटा है। ताजा मामला बागरा इलाके का है, जहां पीआरवी में तैनात होमगार्ड चंद्रभान ने पीआरवी के दरोगा और सिपाही पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित होमगार्ड के मुताबिक बीते रविवार की रात पीआरवी पर वह दरोगा और एक सिपाही के साथ ड्यूटी पर था। जैसे ही ये लोग हरदो पट्टी से नारंगपुर रोड पर पहुंचे, तभी दरोगा और सिपाही ने आराम करने के लिए पीआरवी वैन को एक ईंट भट्टे के पास रोकने को कहा। होमगार्ड ने नियमों का हवाला देते हुए वहां रुकने से इनकार कर दिया और पॉइंट पर रुकने को कहा। इससे भन्नाए दरोगा और सिपाही ने होमगार्ड को पिस्टल सटाकर मारा पीटा। पीड़ित होमगार्ड ने 108 एम्बुलेंस को फोन करके बुलाया तो दरोगा ने एम्बुलेंस डांटकर भगाने की कोशिश की, लेकिन एम्बुलेंस चालक ने किसी तरह होमगार्ड को सीएससी बागरा पहुंचाया। पीड़ित होमगार्ड ने जब घटना की तहरीर थाने पर दी तो आरोप है कि दरोगा वहां भी दादागिरी करते हुए होमगार्ड को बैरक के पीछे ले गया और दोबारा मारा पीटा। थाने पर सुनवाई न होने पर पीड़ित पुलिस लाइन पहुंचा और उच्चाधिकारियों को घटना से अवगत कराया। होमगार्ड का आरोप है कि कार्रवाई के बजाय पीड़ित होमगार्ड का तबादला कुंडा कोतवाली कर दिया गया, जिसके बाद होमगार्ड ने मीडिया के सामने आप बीती सुनाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। अगर होमगार्ड के आरोपों में सच्चाई है तो पुलिस को जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी रोहित मिश्रा का कहना है कि होमगार्ड की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए एसपी प्रतापगढ़ ने जाँच के आदेश दे दिए हैं। एसजी चालक चंद्रभान मेरा नाम है, बागराज थाने में पीआरबी 2007 पर तैनात हैं ड्राइवर के पद पर। आइतवार के नाइट में हमारी ड्यूटी थी और दोनों कर्मचारी हमारे एसआई शंभु दयाल पटेल, सुभाष प्रसाद गौड़, तीन आदमी हम गाड़ी में रहते हैं। पॉइंट के नियमानुसार जैसे रूट चार्ट चलता है उसी हिसाब से ड्यूटी करते हुए हरदो पट्टी से नारंगपुर जा रहे थे, तो रास्ते में एक भट्ठा पड़ता है तो वही भट्ठे के सामने हमसे एसआई समुदाय और सुभाष प्रसाद ने कहा कि यार तुम तो सीट तोड़ के सो लेते हो, आराम थोड़ा बहुत कर लेते हो, अब ले चलो भट्ठे पर हम लोग भी सो लें। हमने कहा सर जो है हम गाड़ी छोड़ के नहीं जाएंगे, आप जो है उतर के चले जाइए सोइए, हम गाड़ी नहीं ले जाएंगे। इसी बात को कहा सुनी होने लगी तो पीछे बैठे हमारे हेड कांस्टेबल जो है सुभाष प्रसाद गौड़ गमछे से हमारा गला दबा के खींच लिए, तो हम बेबस हो गए। फिर एसआई उतर के आए और हमको एक लात हमारे इसे मार दिए पैर पे, तो हम गिर गए नीचे। अब पिस्टल लगा कहा चमार मार डालूंगा, अब ऐसी मार मारूंगा कोई साला मेडिकल नहीं करवा पाएगा तुम्हारा, पुलिस की मार ऐसी होती है मेडिकल भी नहीं होता है। हमको वहीं खूब लातन मुका मारे हैं, तो हमने 112 मिलाया तो वहाँ से कॉल आई तो हम उनसे बात कर रहे थे, तो ये कह रहा था जो मैसेज आ रहा था तो ये इसी गाड़ी में मैसेज आ रहा था तो बार बार वापस कर देता था कि कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं। 108 की एम्बुलेंस आई तो वो हमको ले जाने के प्रयास किए, उनको भी डांट के भगा दिया वहाँ से कि कुछ नहीं इसको मैं देखूँगा, इसको साले को नहीं ले जाने दे। उसके बाद दूसरी एम्बुलेंस आई तो उस एम्बुलेंस वाले को भी हटका रहा था तो हम कहे कि हम जाएंगे, तो उसमें हमको लेके आए सीएससी बागरा, वहाँ हमारा सुई दवाई कराए, उसके बाद हमको थाने के सामने गेट पर उतार दिए। फिर हम गेट के सामने से अंदर गए, वहाँ मुंशी रहे पहरा रहा उनसे बताए, तो उन्होंने कहा एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन हमने लिखा उनको दिया। उसके बाद फिर ये दोनों प्रार्थी पहुँचे वहाँ हमको थाने में, कहें कि इसका मेडिकल नहीं होना चाहिए, जब मैं चाहूँगा तब मेडिकल होगा नहीं नहीं होगा। वहाँ से हमको ले गए थाने बैरिक के पीछे, वहाँ भी हमको पुलिसिया तरीके से बहुत मारे हैं। उसके बाद जो है हाँ फाहे में भी मारा गया, फिर हम वहीं बेहोश होकर पड़े रहे। घटना है ये घटना आइतवार की रात बीतती हुई सुबह 3 बजे की लगभग, सोमवार की रात। हाँ क्या नाम है आपका? चंद्रभान। आपने अपने विभाग में होमगार्ड के जो आपके ऊपर के अधिकारी हैं उनको नहीं सूचना दिया? नहीं है तो हम जो है सर जो वहाँ जिले पे फिर थाने में कोई नहीं सुना, तो हम सवेरे उठे हैं सीधा इसी तरह चले गए पुलिस लाइन, कमांडेंट को बताया, पुलिस लाइन में गए, वहाँ सीओ साहब, एडिशनल साहब, कप्तान साहब सबको बताए हैं। वो 112 में हमको भेजे, वहाँ गए, वहाँ से फिर हमारी ड्यूटी लगा दिए कुंडा, वहाँ से हटा के तो हमारे कुंडा रात भर ड्यूटी किए। सुबह आपसे संपर्क किए, हम कहा कि हमारी आवाज़ को मतलब अभी तक आपकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, जाओ अगर ज़्यादा करोगे सस्पेंड करवा दूँ। एसजी चालक चंद्रभान। कहाँ घर है आपका? हमारा घर है निर्मल गिरधर लालगंज। अच्छा, ये बागराज में आप तैनात हैं? बागराज पीआरबी 2007 में तैनात हैं। क्या मांग है, क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं? सर हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, पुलिस हमारे साथ जो बर्ताव पेश आई उसका